ओम ज्ञातिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम अवंती ब्राह्मण का कहानी सुन रहे थे। ये कहानी कृष्ण भगवान स्वयं उद्धव को समझाते हैं 11th कैंटो 11वें स्कंद के भागवतम में। तो हमने संक्षेप में ये कहानी देखा कि अवंती ब्राह्मण बहुत रईस ब्राह्मण था, उसके पास बहुत धन था पर बहुत कंजूस भी था। तो किसी को मदद नहीं करता था, किसी को पैसा नहीं देता था। तो किसी कारणवश ऐसा हो गया कि उसका सब पैसा उसके हाथ से निकल गया, सब कुछ किसी ने धोखा दे दिया उसको और सब पैसा निकल गया उसके हाथ से। तो करोड़पति से सीधा रोड़पति हो गया, रास्ते पे आ गया प्रैक्टिकली। तो उस समय उसके रिश्तेदार भी उसका तिरस्कार करने लगे, राइट, और लोग उसको गाली देते थे, उस पर पत्थर फेंकते थे, उसके कपड़े को फाड़ते थे, वो जब भिक्षा मांगता था उस पर मूत्र करते थे, यू नो बहुत कुछ करते थे, बहुत तंग किया उन्होंने। तो अवंती ब्राह्मण पहले तो उसको इतना डिस्टर्ब हो गया क्योंकि इतना उसका सुख ऐश्वर्य का एक्सपीरियंस था, उसको आदत था। तो सब कुछ जब निकल गया तो उसका जो अस्तित्व है पूरा हिल गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन हूँ। वो जिस चीज़ से के साथ वो उसने आइडेंटिटी बना के रखा था कि मैं ये हूँ, अवंती ब्राह्मण मतलब सबसे रईस, तो पैसे ही निकल गया उसका। तो उस समय वो इतना कष्ट में था, इतना दुख में था, इतना पीड़ा में था, पर उस समय उसको एक साक्षात्कार होता है। वो साक्षात्कार क्या है, उसको समझ में आता है कि मेरे सुख दुख का कारण ये लोग नहीं हैं, मेरा स्वयं का कर्म नहीं है, देवी देवता नहीं है, ग्रह नहीं है, तो मेरा सुख दुख का कारण कौन है, मेरा मन है। तो अवंती ब्राह्मण को ये समझ में आ गया कि अगर मैं मेरे मन को अगर नियंत्रित कर सकता हूँ तो कौन सा भी स्थिति है उसमें मैं खुश रह सकता हूँ, राइट। तो अवंती ब्राह्मण ने उसके हृदय में एक ऐसा जगह ढूंढ लिया था जिसमें वो हमेशा शांत रह सके। बाहर एक्सटर्नली कुछ भी सिचुएशन रहेगा, वो अंदर वो आश्रय उसने पा लिया था जहाँ पे वो हमेशा सुख और शांति महसूस कर सकता है। तो हम सबको भी हमारी ज़िंदगी में हम सब एक आश्रय ढूंढ रहे हैं, शेल्टर। घर, घर किस लिए होता है, घर एक आश्रय होता है। जब बाहर आदमी दुनिया में जाके काम करके आता है, घर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ आश्रय मतलब मुझे इतना प्रेम मिलेगा तो वहाँ पे मैं सुख शांति की अनुभूति करूँगा। तो बहुत बार क्या होता है, घर में भी सुख शांति की अनुभूति नहीं होती, राइट। तो वो बाहर सुख शांति की अनुभूति नहीं होती, घर में आता है पर घर में भी सुख शांति की अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जिसके साथ सोच रहा है कि वो मुझे मेरा सुख और शांति का अनुभूति करा के देगा,
वो खुद खाली है। तो ऐसा स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो हम सबको चाहिए कि हम भगवान कृष्ण के साथ वो कनेक्शन जोड़े हैं, और जब हमको समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण और भगवान का हरिनाम एक ही आश्रय के विषय हैं, राइट, भगवान कृष्ण और उनका हरिनाम आश्रय के विषय हैं, बाकी सब भगवान के आश्रय लेने चाहिए। तो जो लोगों को भगवान का आश्रय लेना चाहिए वो दूसरों का आश्रय कैसे देगा, राइट। तो अभी ये कोरोना के एपिसोड में, राइट, तो सब डरे हुए हैं, सबको लग रहा है कोरोना वायरस हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, पर डॉक्टर उनको बचाने के लिए, डॉक्टर पहले खुद सुरक्षित होने चाहिए ना, राइट, तो डॉक्टर भी बचते नहीं हैं। तो अल्टीमेटली एक ही व्यक्ति हमको आश्रय दे सकता है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जब अवंती ब्राह्मण को ये समझ में आ गया तो वो स्थिति में भी, वो परिस्थिति में भी अवंती ब्राह्मण खुश हो गया, क्योंकि समझ में आ गया कि कौन सा भी स्थिति है मैं खुश रह सकता हूँ। तो मेरा जो खुशी है सिचुएशन पे आधारित नहीं है, लोगों पे आधारित नहीं है, किस पे आधारित है? मेरे मन पे आधारित है। इट इज़ द माइंड अलोन। सो सिर्फ मन हमारे सुख दुख का कारण है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिस्ताया मनश्चायम विषयान उपसेवते। भगवान गीता 15वें अध्याय में बोलते हैं, द लिविंग एंटिटी thus takes another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. तो हमारे मन के वजह से हर एक जीवात्मा को एक शरीर मिलता है, और हर एक शरीर में एक अलग नाक होता है, एक अलग कान होता है, एक अलग जीवा होता है। हर एक प्राणी का शरीर अलग अलग, नोज, ईयर, स्मेल, सब अलग अलग होता है। कैसे मिलता है? मन के आधारित पे। तो पहला रियलिटी कहाँ पे बनता है? मन में बनता है। जैसे व्यक्ति कोई अगर बिल्डिंग बना रहा है, आर्किटेक्ट बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाता है, तो बिल्डिंग का डिज़ाइन पेपर पे आने से पहले कहाँ पे आता है? उसके मन में चित्र दिखता है, बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए, या जो प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, प्रोग्राम आ रहा है, तो पेपर पे लिखने से पहले उनके मन में वो चित्र बैठता है, स्टेज पे मैं ये करूँगा, ये डेकोरेशन करूँगा, मन में चित्र आता है, बाद में असलियत आता है। तो हमेशा पहला ब्लूप्रिंट कहाँ पे होता है? मन में होता है। तो वैसे ही हमारा जो शरीर है, कौन सा शरीर मिलेगा, कौन सा तरह के कान नाक हमको मिलने वाले हैं, वो किस पे आधारित हैं? हमारे मन पे आधारित है। तो इसलिए अवंती ब्राह्मण यहाँ पे बोलते हैं, ये मन की इच्छा द्वेष के वजह से हमको अलग अलग शरीर मिलता रहता है। टू बिकम फ्री ऑफ द माइंड्स टायरनी, इट इज़ इम्परेटिव टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द माइंड्स वांटिंग एंड हेटिंग। तो मन के ये जो कष्ट है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर मुक्त होना है तो हमको मन के ये इच्छा द्वेष से विरक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा, राइट। द अवंती ब्राह्मण कंटिन्यूस। तो अवंती ब्राह्मण, ये पूरे जो अध्याय में अवंती ब्राह्मण के बहुत सुंदर श्लोक आते हैं, राइट। इनफैक्ट ये अवंती ब्राह्मण का जो गीत है ये बहुत फेमस है, कृष्ण भगवान भी इसको बहुत पसंद करते थे, चैतन्य महाप्रभु भी इसको बहुत पसंद करते थे, राइट। इमेजिन कीजिए, मतलब इतना कष्ट होके उसको इतना साक्षात्कार हुआ, वो साक्षात्कार भगवान को भी अच्छा लगने लगा, तो भगवान भी स्वयं चूज करके उद्धव को यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अवंती ब्राह्मण उसके साक्षात्कार कंटिन्यू करता है, वो बोलते हैं, ऑल द सेंसेस हैव बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ द माइंड सिंस टाइम इमेमोरियल, एंड दैट माइंड हिमसेल्फ नेवर कम्स अंडर द स्वे ऑफ एनी अदर। तो अवंती ब्राह्मण बोल रहे हैं कि ये जो बाकी सब इंद्रियां हमेशा मन के नियंत्रित में रहते हैं शाश्वत रूप से, अनादिकाल से, पर मन किसी के काबू में आता नहीं। When we are attached to something and someone else tries to take it from us, we might do anything to protect the object of our attachment. Hundreds and thousands of people have killed one another over attachments.
तो जब मन किसी चीज से आसक्त हो जाता है और कोई वो आसक्ति को लेने का प्रयास करता है, तो हम कुछ भी करते हैं वो आसक्ति को बचाने के लिए। इतने सारे युद्ध हुए हैं और इतने सारे लोग मारे गए हैं, क्यों? मन की ये आसक्ति की वजह से। एक व्यक्ति का अगर मन काबू में नहीं है और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, बहुत लोगों को दुख दे सकता है वो, राइट? जैसे महाभारत का युद्ध, दुर्योधन का एक व्यक्ति था जिसका मन कंट्रोल में नहीं था, उसको जो चाहिए था, जिद, बच्चे की तरह जिद किया था। तो बहुत बार हमारा शरीर बढ़ जाता है, एज के हिसाब से शरीर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जैसे हमारे गौर गोपाल प्रभु बोलते हैं, टू बी बॉर्न अ मेल इज अ मैटर ऑफ बर्थ। आदमी बन गया, पुरुष बन गया, मतलब जन्म से पुरुष बन गया, कोई स्त्री बनता है कोई पुरुष बनता है। टू बिकम अ मैन इज अ मैटर ऑफ एज। तो पुरुष बन गए, छोटा बालक रहता है, पर मनुष्य कब बन जाता है, आदमी कब बनता है? समय के साथ शरीर बढ़ता है। बट टू बिकम अ जेंटल मैन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। पर हमको कल्चर्ड आदमी बनना है, वो चुनाव से होता है, राइट? तो बहुत बार शरीर बढ़ जाता ऑटोमेटिकली, पर मन उतना, बुद्धि उतना मैच्योर नहीं होता। जैसे दुर्योधन मैच्योर बन गया, शरीर तो बढ़ गया, पर बुद्धि कैसा है? बच्चे की तरह बुद्धि है। बुद्धि क्या है? जो चाहिए। तो उसके लिए इतने सारे लोग मारे जाएंगे, उसको कुछ फर्क ही नहीं है, क्यों? उसको जो चाहिए। तो जब मन किसी चीज़ को पकड़ लेता है, अनेक सारे लोग मर जाते हैं, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे रावण, सीता को चाहिए करके इतना जिद किया उसने, उसके वजह से वो सीता को प्राप्त करने के लिए कितना सारे लोग मर गए, उसके बहुत सारे पुत्र मर गए, अक्षय कुमार करके उसका एक पुत्र था, वो मर गया, इंद्रजीत मर गया, खुद का भाई मर गया, खुद के सबसे निकट के जो कमांडर्स थे सब लोग मर गए, फिर भी रावण छोड़ने के लिए तैयार नहीं। द माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इज गॉड लाइक पावरफुल इज फियरसम। तो मन जो है सबसे शक्तिशाली है। देयरफॉर एनीवन हु कैन ब्रिंग द माइंड अंडर कंट्रोल बिकम्स द मास्टर ऑफ ऑल द सेंसेस। इसलिए अवंती ब्राह्मण यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मन को नियंत्रित कर सकता है, वो अपने आप बाकी इंद्रियों को नियंत्रित कर देता है। फेलिंग टू कॉन्कर दिस इररिप्रेसिबल एनिमी द माइंड हुज अर्जेस आर इनटॉलरेबल एंड हु टॉर्मेंट्स द हार्ट, मेनी पीपल आर कंप्लीटली बिविल्डर्ड and create useless quarrel with others. Thus they conclude that other people are either their friends, their enemies, or parties indifferent to them. तो इस तरह से जब मन को हम नियंत्रित नहीं करते हैं, तो मन हमारे हृदय को इतना तकलीफ देता है, इतना वेदना देता है, उसके वजह से इतना सारे झगड़ा होता है। जब कोई बाहर झगड़ा करता है, उसका मतलब है उसके अंदर संघर्ष हो रहा है। बाहर संघर्ष होना मतलब अंदर संघर्ष होना। जैसे कोई बाहर पल्यूट करता है, गंदगी करता है, क्यों गंदगी कर रहा है बाहर? क्योंकि उसका अंदरूनी वातावरण गंदा है, इसलिए वो अंदरूनी जो वातावरण है वो बाहर भी दर्शाता है, राइट? तो अगर अंदर ही झगड़ा चल रहा है तो क्या होगा? अंदर से मिजरेबल है तो वो अपना मिजरी अपने पास रखता नहीं है, दूसरों को भी बांटता है, क्योंकि उसका लगता है मैं क्यों दुखी रहूं, हर कोई दुखी होना चाहिए, राइट? तो हर किसी को उसके दुख में शामिल करता रहता है। द माइंड इज ओनली सोर्स ऑफ बोथ मटीरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। अदर पीपल, एंड दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट, आर नॉट द कॉज ऑफ अ प्लेजर और ग्रीफ। तो मन हमारे सुख दुख का कारण है, दूसरे लोगों से हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग हमारे सुख दुख के कारण नहीं है। बहुत बार हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, उसके वजह से मेरा ये है, उसके वजह से मैं दुखी हूँ, उसके वजह से मैं सुखी हूँ, पर ऐसा नहीं है। कोई भी हमको सुखी दुखी नहीं बना सकता। हमारा जो मन का कंट्रोल है, सुख दुख का कंट्रोल, हमारे हाथ में ही है रिमोट। दिस इज ट्रू ऑफ द डेमीगॉड्स हु कंट्रोल मटीरियल एलिमेंट्स, द प्लैनेटरी कंट्रोलर्स हु मे फाइट विथ वन अनदर एंड रिवील द बैटल इन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स आर कर्म विच इज सिंपली अ रिएक्शन टू आर प्रीवियस एक्शंस। तो हमारे
यहाँ पे गुरुजन प्रभु लिख रहे हैं कि देवता भी जो हमारे कर्म के अनुसार अलग अलग ग्रह बन के आते हैं और उनके बीच में कभी संघर्ष होता है जो हमारे पत्रिका में दिखता है, वो भी हमारे सुख दुख के कारण नहीं है। टाइम विच मूव्स एंड पुशेस अस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अगेंस्ट अवर विल और इवन अवर सोल विच इज़ अवर ट्रू सेल्फ। तो समय भी हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। थिंक अबाउट दिस डीपली। इट इज़ कॉमन फॉर अस टू टेक शेल्टर ऑफ द माइंड एंड वॉट एवर इट इज़ अटैच्ड टू और रिपल्स्ड बाई एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो इतना हमको आदत पड़ गया है कि मन का शरण लेने के लिए, और मन जो बोलता है उसको हम बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। मन के जो आसक्ति हैं, जो द्वेष है, इच्छा है, हम बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और हमको लगता है कि ये मैं ही हूँ, मेरा मन मतलब मैं ही हूँ। दिस इज़ बिकॉज वी टेंड टू बिलीव दैट वॉट वी थिंक एंड फील इज़ ट्रू बट इट इज़ नॉट। तो बहुत बार हमको लगता है कि जो मैं सोचता हूँ और मैं जो फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, वो सही है। हमको हमेशा उस पर डाउट रखना चाहिए। कभी भी हमारे मन को हमको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो आज सोचता है कल उल्टा ही सोचेगा, राइट? आज तो बोलेगा हमारे लिए अच्छा है, कल उल्टा ही होगा। आज जो हमको फीलिंग आ रहा है, कल वो फीलिंग निकल जाएगा, राइट? इसलिए जो भक्ति भी है, ये फीलिंग भावुकता के ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लोग बहुत बार पूछते हैं, प्रभु जी हरी नाम करते हैं, कुछ फीलिंग नहीं आता, छोड़ दूं क्या, राइट? तो ये फीलिंग के भरोसे भक्ति नहीं होता। कुछ भी चीज़ करना है फीलिंग से नहीं होता। दो लोगों का रिश्ता बनता है, शादी बनता है, तो बोलेगा अरे शुरुआत में तो फीलिंग आ रहा था, अभी फीलिंग नहीं आ रहा है, डाइवोर्स कर लूँ क्या। तो ऐसा दुनिया चलता नहीं है। तो ये मन के फीलिंग को हम सीरियसली नहीं लेते ले सकते। आज फीलिंग है, कल फीलिंग नहीं है। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे, शायद श्रुत कीर्ति प्रभु या हरी सॉरी प्रभु, मुझे याद नहीं है। प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट थे, तो प्रभुपाद का मसाज करते थे, बहुत सेवा करते थे प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट। तो एक बार वो जब प्रभुपाद में अकेले प्रभुपाद के साथ सेवा कर रहे थे, तो वो प्रभुपाद के साथ रोने लगे। बोले प्रभुपाद बाकी में आपके जो शिष्य हैं आपको इतना प्रेम करते हैं, आप जब उनसे दूर जाते हैं वो लोग रोते हैं, इतना फीलिंग्स आता है उनको, पर मुझे लगता है कि मुझे आपके प्रति प्रेम ही नहीं है, मुझे कुछ फीलिंग ही नहीं आता। तो प्रभुपाद बोले वो फीलिंग का कुछ मतलब नहीं है, तुम मेरा सेवा कर रहे हो यही प्रेम है, राइट? तो फीलिंग आए ना आए, वो जब आएगा आएगा, नहीं आएगा तो भी हम हमारा काम नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो जब हम फीलिंग्स को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, हमारे थिंकिंग को, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है, तो मतलब क्या है, हमको लगता है कि हमारा जो ख्याल है, हमारे जो विचार है, हमारे जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर हमको समझ में आना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में जितने भी 30-40 साल की ज़िंदगी में कितने सारे विचार, कितने सारे फीलिंग्स आके गए और ऐसा आते जाता है, राइट? तो इसको हम बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो हमको क्या सीरियसली लेना चाहिए, भगवान के जो उपदेश है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको हमको सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि हमने मन को सीरियसली लिया, हम जब आध्यात्मिक जगत में थे, हमने मन को सीरियसली लिया, यहाँ पे आ गए भौतिक जगत में, और यहाँ पे भी मन को सीरियसली लेते रहेंगे तो इधर ही रहेंगे। तो हमको अगर भगवान के धाम वापस जाना है, तो हमको भगवान का जो संदेश है उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो इसलिए अवंती ब्राह्मण और एक आश्रय हमको बताते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोका है ये चैप्टर का, और भागवतम का भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है। तो जब किसी का संन्यास होता है ना, तो उसको ये श्लोका बोला जाता है। संन्यास लेते समय जो संन्यास कैंडिडेट है, ये श्लोका बोलते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, तब चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोका बोला था जो अवंती ब्राह्मण अभी बोलते हैं। तो ये श्लोक में बोलते हैं कि अवंती ब्राह्मण को समझ में आ गया कि मन को आश्रय लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। जन्म जन्मांतर मैंने मन का ही आश्रय लिया है, मन का ही सुना है, मुझे कुछ मिला ही नहीं है। अभी मुझे और एक आश्रय मिला है,
जो मन नहीं है मन से बहुत श्रेष्ठ है। वो आश्रय क्या है अवंती ब्राह्मण इस श्लोक में बताते हैं, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इसको। एताम स आस्ताय परात्मनिष्ठाम अद्याशिताम पूर्वतमेर महर्षिभिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निषेव नैव। और एक बार बोलेंगे, थोड़ा मुश्किल है फिर भी। एताम स आस्ताय परात्मनिष्ठाम अद्याशिताम पूर्वतमेर महर्षिभिः अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निषेव नैव। तो यहाँ पे बोलते हैं, आई शैल क्रॉस ओवर द इनसरमाउंटेबल ओशन ऑफ नेशंस बाय बीइंग फर्मली फिक्स्ड इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे अवंती ब्राह्मण बोलते हैं, मैं तो ये क्यों ये संन्यास मंत्र है, क्योंकि संन्यास मंत्र में एक डिटर्मिनेशन होता है, फोकस होता है। तो बोलते हैं कि मैं जो ये भवसागर है उसको पार करके ही रहूँगा। आई शैल क्रॉस ओवर दी ओशन ऑफ मटीरियल नेशंस बाय बीइंग फर्मली फिक्स्ड इन दी लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो अब तक मैंने मन का आश्रय लिया है, अभी मैं पूरे तरह से कृष्ण के चरण का आश्रय लूँगा। दिस वॉज अप्रूव्ड बाई द प्रीवियस आचार्यस हु आर फिक्स्ड इन फर्म डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड परमात्मा द सुप्रीम बचड़ ऑफ गॉड है। तो जैसे पहले के आचार्यों ने कृष्ण की प्राप्ति की कृष्ण का पूरा आश्रय लेके, वैसे मैं भी भगवान का पूरा आश्रय लूँगा। एवं एतांस आस्थाय परात्मनिष्ठम, तो बोलते हैं मैं भगवान का पूरा आश्रय ले लूँगा। तो अवंती ब्राह्मण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको ये जन्म मृत्यु के चक्कर से परे उठना है तो हमको मन के आश्रय को छोड़ना पड़ेगा और कृष्ण के आश्रय को पकड़ना पड़ेगा, कृष्ण के चरण को पकड़ना पड़ेगा। और कृष्ण को चरण को पकड़ना मतलब जो जैसे पहले के आचार्यों ने समझा है वो मार्ग पे चलना। तो कृष्ण का आश्रय लेना मतलब अपना खुद का दिमाग करके एक मार्ग फिलॉसफी निकालना नहीं, प्रोसेस निकालना नहीं, जो पहले के आचार्य गए वो मार्ग लेना। जैसे भागवतों में वर्णन आता है भक्ति का मार्ग कैसा है, एक नाव की तरह है जो कृष्ण के चरण कमल के जैसा है। तो ये नाव में जो बैठेगा वो ये पार से दूसरे पार हो जाएगा, भगवत नाम चला जाएगा। तो पहले बहुत सारे आचार्यों ने ये भक्ति मार्ग लेके उस तरफ चले गए। जनरली क्या होता है, बोट लेके आप इस तरफ से उस तरफ जाएंगे तो बोट कहाँ रह जाएगा, उधर ही रह जाएगा दूसरे साइड में। पर ये बोट अलग है भगवान के भक्ति का। बहुत सारे आचार्यों ने भक्ति का मार्ग लेके ये नाव लेके नदी क्रॉस कर लिया भवसागर को और भगवत धाम प्राप्त कर गए। पर भक्ति का मार्ग इतना अच्छा है कि वो नाव वापस इधर ही है हमारे पास, नाव है मतलब उन्होंने जो पालन किया है उसी मार्ग पे हम जाएंगे, उसी नाव पे हम बैठेंगे तो ये नाव भी हमको उधर लेके जाएगा, राइट। तो इस तरह अवंती ब्राह्मण उनका निष्ठा, उनका जो दृढ़ निश्चय है वो बताते हैं यहाँ पे। द सुप्रीम लॉर्ड इज द शेल्टर वी सीक, देर इज नो अदर शेल्टर, एवरीथिंग एल्स इज दुराशय अ फॉल शेल्टर। तो अवंती ब्राह्मण यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा एक ही चीज़ आश्रय लायक है, वो क्या है, भगवान। बाकी कुछ भी चीज़ ये दुनिया में क्या है, दुराश्रय है। आप आश्रय लेने का प्रयास करेंगे आपको दुखी करेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ हमको आश्रय नहीं दे सकता है। हिरण्यकशिपु को लगा है कि उसके जो वरदान है ब्रह्मा जी उनको आश्रय देंगे, पर कोई उनको आश्रय नहीं दे पाया, राइट। पर प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु का छोटा सा बच्चा था उसको समझ में आ गया कि भगवान मेरे एकमात्र आश्रय के विषय हैं। तो कितना भी तंग किया हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद का विश्वास बहुत स्ट्रांग था क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय पूरे तरह से ले लिया था। वी हैव नो वे टू मूव द प्लैनेट्स इनटू मोर फेवरेबल कॉन्फिग्रेशंस अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेशन। तो हम बोलेंगे कि मेरा अभी ग्रह बड़ा अच्छा नहीं है,
तो हमारे पास कुछ शक्ति है क्या ग्रह को चेंज करने का? ऐसा शनि अभी बराबर नहीं है, उसका वापस ला के जो बराबर बॉक्स है उस पर बिठाओ। शक्ति है क्या किसी के पास? नहीं है, जैसा हम चाहते वो नहीं होगा। ठीक है, और टू मूव एनी अदर पर्सन टू लाइन अप विद द डिजायर्स, ठीक है, ग्रह को तो नहीं मूव कर सकते, हमारे जो आजू बाजू लोग हमको तंग करते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार वाले, उसको थोड़ा चेंज करके दिखाओ, वो संभव है क्या? वो भी संभव नहीं है, राइट? वी कैन नॉट सेंड ऑल दोज पीपल वी हेट और हु डिसएग्री विद अस टू डिस्टेंट लैंड्स। तो जो लोग हमको हमसे द्वेष करते हैं या हमको तकलीफ देते हैं, हम उठा के उनको किधर और फेंक सकते हैं क्या? चाइना चला जाओ, हो सकता है? नहीं हो सकता है, जो है हैं सामने। नॉर कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम द पीपल वी लव, और जिनसे आप बहुत प्रेम कर सकते हैं, आप उनको पकड़ के रख सकते हैं क्या? आप मेरे ज़िंदगी से कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, प्रॉमिस करो, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। कितना भी प्रॉमिस करेगा कुछ नहीं होने वाला, राइट? तो शिला प्रभुपाद एक कविता में लिखते थे, प्रभुपाद ने लिखा, मेरे माता पिता ने मुझे कितना प्रेम दिया, अभी वो माता पिता कहाँ है? नहीं है, राइट? मेरा पहले का परिवार कहाँ है? नहीं है। तो जिनसे हम बहुत प्रेम करते थे, प्रेम करते हैं, और हमको लगता है कि वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे, कितना अच्छा रहेगा, पर ये संभव नहीं है। जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको आप आपकी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, और जो आपको आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहे, वो भी आप कर नहीं सकते, वो भी हमारे आश्रय में नहीं है, राइट? एंड इवन इफ़ यू कुड डू दीज थिंग्स, द माइंड बाय इट्स नेचर वुड स्टिल नॉट बी सैटिस्फाइड। ठीक है, मान लिया, ठीक है, ये एक विचार करने की बात है। ठीक है, अगर हमको लग रहा है कि यह ग्रह हमारा ठीक नहीं, इसलिए हम खुश नहीं है, ठीक है, तो ग्रह जहाँ से आपको चाहिए बराबर जगह पर फिट कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी से जो लोग भी आपको अच्छा नहीं लगता वो सबको निकाल के फेंक दिया, और जो आपकी ज़िंदगी में चाहिए वही लोग हैं आपके पास, फिर भी आप खुश रहेंगे क्या? आप खुश रहेंगे क्या, ये सोचने की बात है। तो मतलब है, आप कुछ भी कर लो, आप जैसे सोच लो वैसा भी हो गया, फिर भी मन का स्वभाव क्या है, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। मन ऐसा बहुत कंडीशन रखता है, पर माइंड बाय नेचर विल नेवर बी सैटिस्फाइड, मन कभी संतुष्ट होगा ही नहीं। तो संतुष्टता पाना है तो मन के लेवल पे नहीं होता, मन के परे जाके हमको संतुष्टता मिलेगी, मन के लेवल पे नहीं मिलेगा। दैट वी हैव नो कंट्रोल ओवर अ वर्ल्ड ऑफ कोर्स causes greater fear and frustration for us. Yet this is how Krishna has constructed the universe. तो ये पूरे दुनिया में हमको किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, उसे डर लगता है और गुस्सा भी आता है कभी कि मैं किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर भगवान ने वैसे ही सृष्टि को बनाया है, हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कोरोना वायरस कितना कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, कितना कंट्रोल कर सकते हैं? तो बड़े बड़े नेशंस के बाद भी कंट्रोल करने का शक्ति नहीं है। द यूनिवर्स सिंपली रिफ्यूज टू कोऑपरेट विथ आर फॉल्स ईगो, इट रिफ्यूजेस टू अलाइन इटसेल्फ विथ आर विजन ऑफ आरसेल्स एज द सेंट्रल फिगर इन द वर्ल्ड और विथ आर अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड आर कंसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस। तो भगवान ने यह संसार ऐसा बनाया है, ये ब्रह्मांड, ये क्रिएशन ऐसा बनाया है कि हमारे अहंकार के साथ कभी कोऑपरेट करेगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, इट विल नेवर कोऑपरेट, राइट? तो जब तक हमको लगेगा ये पूरे दुनिया का केंद्र बिंदु मैं ही होना चाहिए और सब कुछ मेरे सुख के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, वो कभी होगा ही नहीं। भगवान ने सृष्टि ऐसा बनाया है कि हम ये एटम में दुखी ही रहेंगे, सब कुछ रहेगा फिर भी एक चीज़ रहेगा जिसकी वजह से हम दुखी रहेंगे। हिरण्यकशिपु का जिंदगी, सब कुछ था उसके पास, सब कुछ था, पर एक प्रहलाद ने उसका जिंदगी में वाट लगा के रख दिया। मतलब सब कुछ था पर एक प्रहलाद ने उसका जितना खुशी था पूरे खुशी को जीरो कर दिया उसने, और खुद का ही बेटा। रावण का जिंदगी, सब कुछ था पर एक सीता ने आके उसका पूरा नाश कर दिया, सब दुख का कारण बन गया।
तो सबकी जिंदगी में हर कोई जब केंद्र बिंदु बनने का प्रयास करेगा, कुछ ना कुछ आएगा और पूरा प्लान हमारा चौपट कर देगा, राइट? हाँ, द यूनिवर्स इज डिजाइंड टू मेक अस मिजरेबल सो दैट वी लर्न। से संसार कैसा बनाया है ताकि हम दुखी हो जाए, संसार का डिजाइन ही है। तो बहुत लोग पूछते हैं स्पेशली हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्सेज में, तो भगवान ने ये संसार दुखाले क्यों बनाया? तो इसमें भगवान का कुछ गलती है ना, तो भगवान ने हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछते तो हम दो एडवाइस देते थे संसार कैसा बनाना चाहिए, दुखाले क्यों बनाया, सुखालय बना सकते थे। नहीं, भगवान ने पर्पसली उसको दुखालय बनाया। तो लोगों को लगता है कि भगवान ने ये संसार दुखालय बनाया है इसलिए भगवान में दोष है, भगवान इम्परफेक्ट है। नहीं, भगवान परफेक्ट हैं क्योंकि ये संसार को दुखालय ही बनाया है, ऐसे ही डिजाइन किया है इसको पर्पसली, राइट? क्यों? ताकि हम सीख सकें, सो दैट वी कैन लर्न आवर लेसन्स। क्या सीख सकें? कि ये संसार के केंद्र बिंदु हम नहीं है, हम कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे। केंद्र बिंदु सिर्फ भगवान ही हो सकते, उनका पोस्ट और कोई ले नहीं सकता, राइट? कृष्णा वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट टू टेक शेल्टर ऑफ द माइंड एंड फॉल्स ईगो इज टू टेक शेल्टर ऑफ इल्यूजन। तो भगवान हमको बताना चाहते हैं कि जब तक हम हमारे मन और मिथ्या अहंकार, मतलब मैं केंद्र बिंदु, उसका सहारा लेंगे तब तक हम मोह का ही सहारा लेते रहेंगे। Rather, let us cross over the insurmountable ocean of nations by becoming fully fixed in the service of the lotus feet of Shri Krishna. उससे अच्छा है कि हम ये जो भौतिक संसार है, भव संसार है, उसको हम पार करें भगवान कृष्ण का आश्रय लेके। The task of finding a real shelter and then surrendering to that shelter has been approved by our previous acharyas who are all fixed in firm devotion to the Lord. तो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना तो हमारे पहले के आचार्यों ने हमको सिखाया है। None of these acharyas have recommended listening to the mind. तो इन सब आचार्यों ने हमको किसी ने रिकमेंड नहीं किया कि मन का सुनो। सब लोगों ने बोला है मन का दुर्लक्ष करो, मन का सुनो मत। Rather they are given us the sadhana of chanting Krishna's name with the mind controlled and attentive. पर उन्होंने क्या हमको साधना दिया है? भगवान का हरि नाम लेना। कैसे? मन को नियंत्रित करते हुए और मन को केंद्र भगवान के नाम पे हम फोकस करेंगे, तब हम मन के सहारा से ही मन को पार करके एक अलग ही दुनिया में जाएंगे जहाँ पे मन हमको कोऑपरेट करेगा, हमारे साथ कंपीट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये अवंती ब्राह्मण का बहुत सुंदर एपिसोड है जिससे हमको समझ में आता है कि जब हम भगवान का हरिनाम का आश्रय लेंगे तब हम एक्चुअली सही में सुखी बनेंगे। तब तक हम मन का जब तक सुनते रहेंगे हम ये संसार में हमेशा दुखी रहेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? या भक्ति फीलिंग्स के बेस पे नहीं करना चाहिए, नहीं। लेकिन आपने पहले ही बोला था कि जब तक हम सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं तब तक हमारे हृदय में जो भगवान के लिए प्रेम है वो नहीं आएगा। या तो अगर फीलिंग्स नहीं है तो प्रेम कैसे है? अगर किसी हमारे आपके प्रति जब वो भाव नहीं है तो वो प्रेम कैसे आएगा? फीलिंग से ही आएगा। या फिर फीलिंग्स नहीं है तो फीलिंग्स अगर हमारे आपके प्रति नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार का फीलिंग नहीं है, तो हमारे आपके बीच में जो प्रेम है वो प्रगाढ़ नहीं होगा। तो दोनों होता है। देखिए, इसलिए जब हम क्लासेस में ये एक पॉइंट बताते हैं उसका बैलेंस भी पॉइंट होता है। तो कभी कभी हम ये स्ट्रेस करते हैं, कभी वो स्ट्रेस करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। 100% फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, हमको अपने फीलिंग्स डाल के भगवान का हरि नाम लेना चाहिए। पर बहुत बार ये फीलिंग्स, एक्चुअल फीलिंग्स कब आता है पता है? जब हम सब अनर्थ क्रॉस हो जाते हैं तब जेन्युइन फीलिंग्स आते हैं। बीच बीच में थोड़ा फीलिंग्स आते हैं जब हम करते हैं, पर अगर वो फीलिंग्स नहीं है, मैं क्यों ये उदाहरण दे रहा हूँ फीलिंग्स के भरोसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा जब फीलिंग आएगा नहीं, अब फोर्स करके तो वो फीलिंग नहीं ला सकते ना।
तो उस समय भी हमको ये होना चाहिए, बात होना चाहिए कि फीलिंग नहीं भी रहा तो मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है, एक होता है एक्शन काम, इंद्रियों को मैकेनिकली सेवा में लगाना, और दूसरा होता है फीलिंग के साथ करना, एक्शन फीलिंग। तो बहुत बार क्या होता है, फीलिंग से एक्शन आता है और बहुत बार एक्शन से फीलिंग आता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत बार भक्तों को लगता है दूसरा एक भक्त सामने दिखता है पर उसको लगता है मुझे उसको दंडवत डालने का फीलिंग नहीं आ रहा है, ऐसा दंडवत डालूं करके फीलिंग नहीं आ रहा है। तब क्या करना चाहिए, दंडवत डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। तो क्या होगा, डालने से फीलिंग आएगा, तो एक्शन करने से फीलिंग आता है, राइट, वो भी है। और दूसरा, फीलिंग रहेगा तो आप बोलेंगे भक्त है, मुझे उसके प्रति प्रेम है। तो फीलिंग है तो एक्शन भी होना चाहिए, दंडवत भी करना चाहिए। तो कभी कभी फीलिंग है तो उससे एक्शन आता है, कभी कभी एक्शन से भी फीलिंग आता है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो भक्ति के मार्ग में हमारे लिए चैंटिंग क्या है, एक्शन है, मुँह बोलता है, हरिनाम सुनते हैं, राइट। तो ये करते रहने से धीरे धीरे फीलिंग आएगा, और जो फीलिंग आएगा उससे वो जो एक्शन है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोनों एक दूसरे को मदद करता है, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। सो कभी कभी क्रिया करना पड़ता है, कभी कभी फीलिंग भी व्यक्त करना पड़ता है, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो कभी पॉइंट्स में हम एक पहलू स्ट्रेस करते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं है। यू हैव टू बैलेंस बेसिकली। हाँ, या मन से शुरू या बुद्धि भी हो सकता है, या तो अल्टीमेटली कुछ भी चीज़ होता है अच्छा बुरा वो मन से ही प्रकट होता है अल्टीमेटली। मन से बाद में बुद्धि उसको ये करती है। हाँ, प्लान करता है, या तो कहने का मतलब है जो अंदर रियलिटी होता है वही बाहर जाके आता है, जो अंदर है वही बाहर आता है। तो इसलिए हम धीरे धीरे हमारा जो मन जो है उसको हम भगवान के केंद्र में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको रियलिटी भी वैसे आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।